मोबाइल लोकेशन एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम यूजली एज ग्रांटेड लेते हैं। हम अपनी लोकेशन यूजली शेयर करते हैं फेसबुक पर, फ्रेंड्स के साथ, इवन टैक्सी यानी कि ऊबर या करीम के लिए भी हम लोकेशन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि दूसरा शख्स कितना दूर है। तो एक्चुअली हमारे फोन्स को हमारी लोकेशन पता कैसे लगती है, लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर रिज़वी एंड यू आर ऑन माई चैनल। वीडियो की शुरू करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स यूजली 2 सेकंड तक लेते हैं अपनी लोकेशन मालूम करने के लिए। आज की टेक्नोलॉजी से तकरीबन 3 से 5 मीटर तक के अतराफ की प्रिसीजन रखती है। सिर्फ यही नहीं, कंप्यूटर या लैपटॉप्स की लोकेशन भी चेक हो जाती है, इवन के उनमें GPS रिसीवर होता ही नहीं है। और तो और, ज्यादातर मामलात में हमारा सेलफोन सैटेलाइट से GPS सर्विस को यूज ही नहीं करता अपनी लोकेशन मालूम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तरीकाकार सैटेलाइट GPS है, जिस पर मैं एक पूरी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें 4 सैटेलाइट्स यूज होते हैं जो कि मुसलसल अपनी लोकेशन एंड टाइम ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं रेडियो वेव्स में, एंड मोबाइल अपनी जगह रहते हुए इन सिग्नल से ये डिटेक्ट करता है कि चारों सैटेलाइट कितने दूर हैं और अपनी लोकेशन इससे पता लगा लेता है। लेकिन सैटेलाइट GPS के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्लो होते हैं, जो तकरीबन 45 सेकंड तक लेता है लोकेशन डिटेक्ट करने में। उसकी वजह एक ये भी है कि जब पहले सैटेलाइट का डाटा फोन को मिलता है तो फोन को ये डाटा भी रिसीव करना होता है कि सेम सैटेलाइट अगले कुछ घंटों तक कहां पर होगा। यूजली ये डाटा सैटेलाइट ही भेजता है, लेकिन इस डाटा को भेजने में टाइम लगता है। इसी वजह से स्मार्टफोन्स यूज करते हैं तरीका नंबर 2। दिस इज कॉल्ड असिस्टेड GPS। सेम डाटा जो स्मार्टफोन्स को चाहिए होता है कैलकुलेशन में, वो डाटा बजाय सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल्स में मिले, अगर सेम डाटा वाईफाई या करीब के किसी टेलीकम्युनिकेशन टावर से भेज दिया जाए तो फोन ज्यादा तेजी से कैलकुलेट कर सकता है अपनी लोकेशन को। और यही होता है असिस्टेड GPS में। सैटेलाइट को सिग्नल्स मिलने के बाद फोन चेक करता है कि क्या उसका वाईफाई राउटर या सेलुलर नेटवर्क वो डाटा दे सकता है, तो वो उस डाटा को कलेक्ट करके कैलकुलेशन करता है, जिसकी वजह से 45 सेकंड्स का टाइम कम होते होते 15 सेकंड से भी कम हो जाता है। लेकिन ये डाटा फीड करने की बात है जिसमें गलतियां हो सकती हैं, और इसीलिए हम यूज करते हैं तरीका नंबर 3। इस तीसरे तरीके को सिंथेटिक GPS कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि असिस्टेड GPS में यूजली वाईफाई या करीबी टेलीकॉम टावर से डाटा की जरूरत होती है, जिसमें 15 सेकंड तक लग जाते हैं। लेकिन अगर यही सैटेलाइट का डाटा अगर किसी सुपर कंप्यूटर में इनपुट किया जाए तो वो उस GPS की लोकेशन हफ्तों पहले ही निकाल सकता है, और वो डाटा पहले से ही स्मार्टफोन्स में स्टोर किया जा सकता है ताकि फोन को वो डाटा वाईफाई या टेलीकॉम टावर से डाउनलोड करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे ही पहले सैटेलाइट को सिग्नल मिले, वो आसानी से वेरिफिकेशन के बाद हफ्तों का डाटा अपनी मेमोरी से कंपेयर करता है और वाला फोन को उसकी लोकेशन पता लग जाती है। और इस तरीके से यूजली 2 सेकंड तक लगते हैं लोकेशन मालूम करने में। लेकिन सिर्फ यही 3 तरीके नहीं है जो आपकी लोकेशन को इम्प्रूव करने और फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि कुछ और भी तरीके हैं जिससे फोन को आपकी लोकेशन के पता लगने में हेल्प मिलती है। जैसे कि सेल ID, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज अपने टावर के सिग्नल्स की स्ट्रेंथ से आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करती हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा आपके फोन के दूसरे सेंसर जैसे कि जायरोस्कोप, कंपास वगैरह भी यूज किए जाते हैं आपकी लोकेशन को मालूम करने के लिए। इतने सारे एलिमेंट्स के एक साथ चलने से ही आपके फोन की लोकेशन कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज होती है, और इन्हीं वजूहात की वजह से शहरी इलाकों में जहां सैटेलाइट सिग्नल्स वीक होते हैं वहां पर भी बहुत ही प्रिसीजन से लोकेशन हमें पता लगती है। फिलहाल GPS सैटेलाइट 10 से 15 फुट तक की एक्यूरेसी रखते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द न्यू सैटेलाइट यूज होंगे जो पहले से ज्यादा प्रिसीजन से लोकेशन मालूम कर सकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक वो 2 फीट तक की एक्यूरेसी रखेंगे, इतना जितना कि मेरा हाथ मुझसे दूर है, और हमारी जिंदगियां और आसान हो जाएंगी। एंड दैट्स इट। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, www.youtube.com/mychannelvideo, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।